जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए एक बार, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पे उपस्थित जेपी अग्रवाल जी, जो कि कांग्रेस के दिल्ली के बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, हरिशंकर गुप्ता जी यहाँ के एक्स एमएलए, सोनिया अमनदीप जी और बाकी सारे ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता और हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हरिकृष्ण जी जिंदल जी, और आप सबको भाइयों बहनों दोस्तों माताओं बच्चों सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज ये अवसर मिला है आप सबके बीच में आने का, यहाँ पर आपसे दो बातें करने का। आप लोगों से बहुत प्यार मिला है, सम्मान मिला है, हमेशा आपसे ये बातें करना जरूरी है क्योंकि आप सब बहुत ही ज्यादा समझदार हैं, लेकिन फिर भी समझ रहे हैं कि पिछले 13 साल से बीजेपी एमसीडी में है और एमसीडी का क्या हाल है और अभियान कैसे कैसे चल रहे हैं। सबको पता है ना, मोदी जी ने कई सारे अभियान किए, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, युवाओं को नौकरी मिली है, कितने युवा पकौड़े तल रहे हैं, हाँ सभी पकौड़े बाहर तल के बेचे जा रहे हैं बहुत अच्छे दामों पे, हाँ हाँ काम काम किसके किसको मिल रहा है, 15-15 लाख खाते में गए सबके जी? नहीं। हाँ नहीं, किसको 15 लाख मिले हैं? किसी को नहीं। अच्छे दिन मिले हैं किसी को? अच्छे दिन दिखाई दिए किसी को? जी नहीं। विकास मिला है कहीं पर? नहीं, नहीं ना, ये मिलने भी नहीं वाला क्योंकि ये सब जुमलेबाजी की सरकार है। कल भी उन्होंने जुमलेबाजी के हिसाब से जो बजट पेश किया उसमें गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, उनकी नौकरियों के लिए कोई मेंशन नहीं है, और खास करके जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका तो कोई मेंशन ही नहीं है। मैं कह रही हूं ये सब हिंदू मुस्लिम और पोलराइजेशन करने से किसी का पेट नहीं भरता। बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, हमको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, एक अच्छा भाईचारे का माहौल चाहिए, ये सारी चीजें एक अच्छी आम जिंदगी जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर किसी भी पार्टी, यहाँ से मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है और अभी जेपी जी ने बताया कि आम आदमी पार्टी ने कितने सारे मोहल्ला क्लिनिक्स उन्होंने वायदे किए थे, वो इतने सारे खुल गए, 1000 खुल गए, मेरे ख्याल से 150 भी नहीं खुले। अच्छा, और अभी मैं टीवी पे कल परसों देख रही थी कि वो बता रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक के बाहर और अंदर कितनी गंदगी रहती है। तो जब ये दोनों मिलके और किस तरह से छात्रा छात्राओं पे, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके जो लोग मुंह पे पट्टा बांध के गए हैं अंदर और छात्रा छात्राओं को मारे हैं, आज 1 महीना हो गया है, उनको किसी ने पकड़ा है? तो जब ये बीजेपी नई दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ठीक से संभाल नहीं पा रही है, हाँ हमारी सेना, हमारी सैनिक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन ऊपर से जैसा ऑर्डर आएगा वैसे ही उनको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उनके लिए कभी जो इतनी राष्ट्रवादी की बातें करते हैं, क्या उनके लिए कोई योजना दी है? क्या उनके बच्चों के लिए सोचा गया है? क्या उनके अच्छे लाइफ के लिए सोचा गया है कि उनको उनके भी सारे जितने सैलरीज में उसमें भी कटौती की गई है? बुजुर्गों को पेंशन की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है। और मैं इतना बताना चाहती हूँ भाई और बहनों कि ये जो दिल्ली आप देख रहे हैं, जो दिल्ली में फ्लाईओवर्स बने हैं, रास्ते बने हैं, जो भी दिल्ली में अच्छा काम हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया, शीला जी ने किया है। लेकिन पिछले 13 साल से एमसीडी में बीजेपी ने क्या हशर करके रखा है, किस तरह से आपके गली कूचों के बाहर आपको कचरा दिखता है या नहीं दिखता है? दिखता है ना। किस तरह से ये लोग इसी को नहीं संभाल पाए हैं, ये लोग जो नाले में उतर के कचरा कूड़ा साफ करते हैं उनके लिए भी नहीं सोचा, किसी के लिए भी नहीं सोचा, और ये सब हिंदू मुस्लिम कराने में पड़े हुए हैं। मैं आपको सिर्फ एक बात बता रही हूँ कि आजकल ये जो एनआरसी, एनपीआर और सीएए का मुद्दा है, इसमें ये
ये इस मुद्दे को पता नहीं क्यों एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बना के बैठे हुए हैं। ये अभी हाल ही में ये पूरी तरह से असम में प्रक्रिया हुई और असम में जो प्रक्रिया हुई उसमें 19 लाख लोग रह गए और उस 19 लाख लोग में से महज मेरे ख्याल से 3 लाख लोग मुसलमान रहे होंगे, बाकी तो 17 लाख मेरे ख्याल से मेरे हिंदू भाई बहन है। तो ये 17 लाख की नागरिकता जो छीन गई है उसमें से कितने प्रतिशत तो 36 रुपए दिन के कमाते हैं, तो किस तरह से वो जाके अपने कागजात लेके आएंगे, किस तरह से ये प्रूफ कर पाएंगे। और ये सीए के जो मामला है, ये जो कहते हैं कि नागरिकता लेने की बात नहीं है देने की बात है, तो ये आज से नहीं, ये कई सालों से नागरिकता दी जा रही है और कई सालों से, लेकिन नागरिकता जाति के आधार पे नहीं हो सकती। और ऐसे ऐसे चीजों में उलझाया जा रहा है क्योंकि इनके पास $5 ट्रिलियन को बनाने की इकोनॉमी की बात करते हैं लेकिन बजट तो एक ही साल का दिया जाता है, लेकिन ये लोग बात करते हैं 5 साल 6 साल 7 साल। अब इन्होंने 2014 में बोला था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन पिछले 5.5 साल में ये सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ को दे चुके हैं, जबकि 5.5 साल में कम से कम 11 करोड़ लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी। और वो भी आंकड़े कितने सही है कितने गलत है ये किसी को नहीं पता। तो युवाओं के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, महिलाओं का जो हाल है वो आप सब देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी दुर्दशा हो रही है। मैं क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हूं तो मैं कश्मीर की भी इंचार्ज हूं और आर्टिकल 370 जिस तरह से लगाया गया है उनके ऊपर, और उसके बाद वो जो कथवा में बच्ची का रेप हुआ था, उस रेप में जो लोग पाए गए थे वो कौन लोग थे, और ये कुलदीप सिंह सेंघार कौन है, ये क्या बीजेपी के एमएलए नहीं है, और क्या चिन्मयानंदा बीजेपी के नहीं है मंत्री। तो ये सारे लोग जो हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जरूर बोलते हैं, लेकिन बेटी बचाने का और बेटी पढ़ाने का इनके पास कोई, बेटियों को जाके मारा जाता है, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्योंकि मैं महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूं तो महिलाओं के बारे में जरूर बात करूंगी, महिलाओं के इश्यूज के बारे में जरूर बात करूंगी। आज उन्हीं का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का आके कहता है कि पुरुष भाई रजाई ओढ़ के सो रहे हैं लेकिन महिलाएं चौराहे पे खड़ी हैं, क्या मतलब है, ये कोई भाषा है बोलने की। जो इनका अनुराग ठाकुर है, जो इनका एमओएस फाइनेंस है, वो क्या कहता है, गोली मारो किसको, गोली मारो सालों को देश के, तो कौन है देश के गद्दार। जो लोग इनकी बात से सहमत नहीं है, जो लोग एक दूसरा विपरीत सोच रखते हो, उन लोगों को ये गोली मार देंगे, तो ये गलत बात है। हम जनतंत्र में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, और जनतंत्र में लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता जिसको चाहे सरकार बनाए जिसको चाहे सरकार गिराए, जनता के पास उतनी ताकत होती है। तो जनता को कमजोर नहीं समझना चाहिए, ये सिर्फ दिल्ली में शाहीन बाग में नहीं हो रहा है ये जो हो रहा है प्रोटेस्ट, ये देश भर में हो रहा है। और जो लोग, मैं इस चीज को पोलराइज नहीं करना चाहती, लेकिन ये जो माहौल है इस माहौल को आपके हाथ में है कि इसे कैसे संभाले रखे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे दे। और वापस मैं जिंदल जी पे आती हूँ कि यहाँ के ये प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और जैसे कि जेपी जी ने बताया कि ये लोगों में जन जन में जाके घूमते हैं, आपके घर में जाके बैठते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं, तो आपको एक ऐसे साधारण आदमी की जरूरत है जो आपके बीच में आए, आपकी आवाज उठाए, चाहे ये महिलाओं की आवाज हो। ये देखिए, ये ऐसे दिल्ली में कांग्रेस ही आनी चाहिए, तानिया कांग्रेस पार्टी, ये लहर आनी चाहिए। और एक बार दोनों हाथ दिखा के मुझे उठा के बता दीजिए,
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। देश जिंदाबाद। हमें किसी को ये नहीं बताना है कि कौन इस देश का नागरिक है, कौन नहीं है। सबको रोटी कौन देगा, नौकरी कौन देगा, बिजली कौन देगा, पानी कौन व्यवस्थित देगा, दिल्ली को कौन अच्छा रखेगा, शिक्षा कौन अच्छा रखेगा और बाकी सारी चीजें कौन अच्छी तरह से करेगा। आपने तीनों पार्टी का काम देख लिया है पिछले 15-13 साल से। आप एमसीडी में भी बीजेपी को देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। मैं फिर एक बार धन्यवाद आपसे करती हूँ, लेकिन आने वाले 8 तारीख को आपको अपना मुस्तकबिल तय करना है, अपने बच्चों का तय करना है, अपने पूरे परिवार का तय करना और एक ऐसी पार्टी को चुनना है जिसके पास एक रणनीति हो कि आगे जाके युवाओं को रोजगार कैसे मिले, महिलाओं को काम कैसे मिले, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिले। ये सारी चीजें की चिंता आप लोगों को होनी चाहिए। आप लोगों ने ये मुझे 2 शब्द कहने का मौका दिया, आप सबके बीच में आने का मौका दिया, इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और उम्मीद है कि जब आप जिंदल जी को जिताएंगे तो फिर से वो मुझे मौका देंगे आप सबके बीच आने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और हाथ के पंजे पर बटन दबाइएगा, भारी बहुमतों से जिताइएगा, ताकि ये हाथ का पंजा ही है जो आपके साथ में हमेशा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।